हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जी पतंजलि के न्यूट्रेला कोलेजन प्रास्ट की, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे मतलब जो भी हम हमारे जॉइंट पेन्स वगैरह होती है उनके लिए बेस्ट ये जो प्रास्ट है वो माना गया है, मैंने सुना है। वो कैसे मैंने सुना है जी, देखिए मैं क्या करती हूँ ना, जब भी सुबह योगा वगैरह करती हूँ ना, ज़्यादा डेली तो नहीं करती, कभी कभार मेरा मन हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, रामदेव बाबा का जो शिवर होता है ना, मतलब जिधर भी शिवर लगते हैं ना उनके, तो मैं वो वाला लगाकर वीडियो तो उनको देख देख कर योगा साथ साथ में करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना अकेले में जमता नहीं, मुझे अकेले बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा करता मतलब योगा वगैरह करने को, तो उनको देख देख के ना अच्छा लगता है। मतलब वो जब भी बेनिफिट्स बताते हैं ना योगा के, कि ऐसे हो मतलब हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होती है, उससे ये ठीक होती है, तो फिर अपने आप अंदर से ना ऐसे लगता है कि हम लोग योगा करें। तो मैं क्या करती हूँ, और काफी ना मेडिसिन वगैरह भी रहती है उनमें, वो जो रामदेव बाबा बताते हैं ना कि कौन सी मेडिसिन से क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ऐसे ही एक दिन वीडियो चल रही थी और मैं योगा कर रही थी, तो उसमें ना एक कोई तो भी लेडी आई थी, तो उसने बताया था, वो 40 एज के करीब थी, तो उसने बताया था कि मैं बाबा रामदेव जी का ये जो कोलेजन प्राश है ना वो यूज कर रही हूँ, और उससे ना मेरी स्किन भी अच्छी हो गई है, मेरे हेयर भी अच्छे हो गया, और सब मतलब कि सब कुछ मेरा मतलब सही हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा मतलब ये वाला जो कोलेजन प्राश ये बोल रहे हैं तो मैं भी ले आऊं, और बाबा रामदेव की भी इस पे काफी वीडियोस बनी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ये जो कोलेजन प्राश है इसके। तो मैं देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई अपनी मतलब स्किन वकिन के लिए नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अपनी स्किन के लिए इसे यूज करने की, मैं ज्यादातर हेयर के लिए लेकर आई हूँ। मेरे जो हेयर है ना, मेरे बाल है जो काफी ज्यादा झड़ने लग गए थे, अभी तो ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम निकली थी तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया और बाल वगैरह मेरे मतलब झड़ने ठीक हो गए थे। तो उसके बाद ना जो वॉल्यूम है ना बालों का वो कम हो गया है काफी ज्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये जो कोलेजन प्राश है ये वाला यूज करूं और देखती हूँ इसके रिजल्ट क्या होंगे। और ये जो कोलेजन प्राश है ना जी, मैं आपको पहले तो बता दूं, ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया पहले कभी भी, और मैंने अभी तक खोला भी नहीं इसको, पड़े हुए 2 दिन हो गए। मैंने सोचा था कि खोलने के टाइम पर मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा है, और मतलब टेस्ट भी कैसा है, टेस्ट भी कर दिखाऊंगी, और ये बिल्कुल सील पैक है, अभी मैं आपके सामने खोलूंगी। और पहले ना हम जान लेते हैं जी कोलेजन क्या होता है। कोलेजन ना देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना एक ये प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, जिसकी हेल्प से ना हमारी स्किन है जो मतलब टाइट रहती है, यंग यंग दिखती है, यंगर रखता है जो, यानी कि अपनी स्किन को। तो जॉइंट पेन्स वगैरह जिसके होते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम जिनके ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई है जल्दी, और स्किन है जो सैगी स्किन हो गई है, सैगी स्किन ज़्यादा यानी कि इधर से ऐसे लटकनी शुरू हो जाती है ना स्किन, ऐसा हो गई है और जॉइंट पेन्स वगैरह हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप समझ लीजिए जी ये हमारे जो स्किन के अंदर प्रोटीन है ना, कोलेजन प्रोटीन, इसको हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है, हमें इसको रीगेन करने की ज़रूरत है, इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और जो कि हमें ये जो कोलेजन प्राश है ना इसमें सब मिल जाएगा। और चलिए इसको अभी ओपन करते हैं, मैं आपके सामने ओपन करूंगी और देखते हैं इसका मतलब कैसा है, दिखने में कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो ये रहा जी हमारा पतंजलि का न्यूट्रेला कोलेजन प्राश स्किन सुपर फूड, और देखिए जी चलिए हम इसको ओपन करते हैं। और पहले तो देखिए, ओपन करने से पहले मैं आपको सब इधर बता दूं इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, इसमें क्या क्या है देखिए। और मैं ना अभी ये ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर बस मैं ऐसे आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा बता देती हूँ इस। तो देखिए जी, इसमें तिल के जो सीड्स रहते हैं उनका पाउडर है, और बादाम पाउडर है स्वीटनेस के लिए, इधर हनी है जी, बस ये सब चीज़ें हैं। मैं ना आपको साइड में एक मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी जिससे आपको पढ़ने में इधर आसानी होगी, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सॉरी मैं इसलिए ना मैं आपको अच्छी डिटेल से मतलब नहीं बता पा रही, इधर मैं साइड में लगा दूंगी क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है ना फिर कोई देखता नहीं है, तो इसलिए देखिए जी ये प्राइस देखिए इसका, और डेट तो देखिए 24 तक है, और प्राइस देखिए जी इसका 400 ग्राम की ये पैकिंग है जी, पूरा आधा किलो का नहीं है, 400 ग्राम का है ये, और इसका प्राइस जी देखिए 620 रुपये इधर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 5% इसके ऊपर डिस्काउंट मिला था, ठीक है जी।
इधर जी हमें सब इसके बारे में बताया हुआ है, मतलब इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए जी, मैं आपको ये थोड़ा सा मेन बता देती हूँ। देखिए, स्किन रिंकल्स के लिए ये बेनिफिशियल है, और एज स्पॉट्स जो मतलब एजिंग जो होती है हमारे स्किन पर, लूज हो जाती है स्किन। स्किन देखिए इलास्टिसिटी, मतलब स्किन को टाइट बनाता है, ये सब चीज़ें मतलब ये इसमें बताई हुई है। मैं सब इसका ना एक वीडियो लगा सॉरी एक ना एक फ़ोटो लगा दूंगी साइड पर। तो इसको लेना कितना है जी, देखिए इधर वो भी बताया हुआ है, 1 फुल स्पून अप्रोक्स ये 15 ग्राम ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार ये 1 स्पून लेना है। तो चलिए जी अभी इसको देखिए खोलते हैं। और मैं ना आपको जी इधर बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें ना सब तिल वगैरह है, तिल का पाउडर है, बादाम का पाउडर है, और ये सब चीज़ें ना अगर आप खा सकते हो तो उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पर आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगर रेगुलर ये ऐसी चीज़ें खाएंगे। अगर गाजर है, देखिए सीज़न में अगर गाजर का सीज़न है तो जूस पिए आप गाजर का, एक गिलास डेली अगर पियेंगे तो मतलब विटामिन सी वाला फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह, तो खट्टी चीज़ें वो ज़्यादा खाइए तो स्किन आपकी अपने आप ग्लो करेगी जी। देखिए मैं तो वही बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ों पर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो कर सकते हैं जिनके पास टाइम है। मैं भी जी देखिए ये पहली बार यूज़ करूँगी, और जो भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस होगा इसको यूज़ करने के बाद मैं बाद में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे मतलब हेयर ग्रोथ में, वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा या फिर नहीं पड़ा। तो देखिए जी इसकी पैकिंग देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और चलिए हम अभी इसको खोलते हैं। और ये देखिए जी, ये इसके अंदर देखिए एक स्पून दिया गया है। तो ये जो स्पून है ना जी, बस ये हमें एक मतलब दिन में 2 बार लेना है। ये जो स्पून है, स्पून के ऊपर भी देखिए पतंजलि लिखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये स्पून एक बरकर हमें 2 टाइम लेना है दिन में। चलिए अभी इसको खोलते हैं जी। तो देखिए ये तो सब जैसे बार की वो पैकिंग है ना, सब लिखा हुआ है वैसे ही है। और इसको अभी ओपन करते हैं। देखिए बिल्कुल सील पैक है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ मतलब लेकर आई हूँ, और देखिए खोल रही हूँ आपके सामने। चलिए इसको करते हैं जी ओपन। वाओ, खुशबू तो इसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी आ रही है, ऐसा लगता है कि अब भी खा जाओ। और देखिए अंदर से देखिए इसका टेक्सचर देखिए कुछ ऐसा है जैसे हनी होता है ना, मतलब वैसा है। तो मैंने जी आपके सामने ये ओपन किया है, बिल्कुल सील पैक था और कांच की बोतल है ये। तो खुशबू ना, अगर खुशबू लेंगे ना तो इतनी मस्त खुशबू है ना, ऐसे मिठाई नहीं जैसे होती वो कलाकंद जो होती है ना, वो वैसी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चलिए अभी मैं चम्मच वगैरह वॉश कर ले आई हूँ, अभी इसका हम करते हैं जी टेस्ट। और पहले मैं थोड़ा सा ही लूँगी, पूरा चम्मच फुल नहीं लूँगी, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका। इतना मस्त टेस्ट है ना कि मेरा दिल करता है ना मैं एक और चम्मच ले लूं बर्गर, लेकिन नहीं ले सकती, इसमें जितना बताया है उतना ही लेना है। और इतना अच्छा है ना, जैसे तिल की गचक रहती है ना, गचक गचक जो रहती है तिल की, चिक्की बोलते हैं जिसको, वैसा टेस्ट है। तिल का बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है इसमें, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गुड़ और तेल की मैं चिक्की खा रही हूं, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। और देखते हैं अभी इसको यूज करने के बाद मुझे क्या क्या फायदे होते हैं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये पैक खत्म होने को पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, शायद 1 मंथ तो लगेगा, क्योंकि 1/2 किलो के करीब है ये बोतल। आई होप जिन लोगों के मन में थोड़े से भी कुछ डाउट वगैरह होंगे कि इसका टेक्सचर कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, प्राइस कैसा होगा, उन लोगों की आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो मैंने सॉल्व कर दी होगी। तो चलिए जी आज की वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, और मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, प्लीज मेरी ना व्लॉग्स जरूर देखा कीजिए आप ना व्लॉग्स बहुत कम देखते हो, ऐसी वीडियोज है जो मेरी काफी अच्छी चलती है, जिसमें रिव्यूज होते हैं, मतलब वो वीडियोस मेरी अच्छी चलती है, लेकिन व्लॉग्स क्यों नहीं आप पसंद करते, मैं इतने खराब व्लॉग्स नहीं बनाती जी कि आप लोग पसंद नहीं करते। तो प्लीज आपके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स भी देखा कीजिए, और अगर अच्छी लगती है वीडियोस मेरी तो लाइक किया कीजिए जी, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ऑल पर जाकर। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।